हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं ग्लिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ। ग्लिसिन बहुत ही असरदार है सर्दियों के दिनों में हमारी रूखी त्वचा को सही करने में, लेकिन इसको किस तरह से लगाया जाए ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस पे ही बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब नेचुरल डिवा। इस थ्री स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले आप लेंगे कच्चा दूध। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच करीब कच्चा दूध लिया है। अब इसके अंदर आप डालेंगे 1/4 चम्मच ग्लिसरीन। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक कॉटन की हेल्प से अब हम अपने चेहरे को इससे साफ करेंगे। देखिए, आप ये प्रोसेस जो है रात को ही कीजिएगा, रात को सोने से पहले आप इस तरह से कीजिए और कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कीजिए। इससे क्या होगा, चेहरे पर लगी हुई जितनी भी गंदगी होगी वो अच्छे से निकल जाएगी और दूध में जो है स्किन वाइटनिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ किस तरह से आप अपने चेहरे को साफ करेंगे। इस तरह से जब हम अपने फेस को साफ करते हैं तो हमारी स्किन में जितनी भी गंदगी होती है, वो कालापन होता है, वो सब निकल जाता है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप प्रोसेस में आपको ग्लिसरीन लेना है। यहाँ पे करीब 1/2 चम्मच करीब मैं ग्लिसरीन लूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच करीब ग्लिसरीन लिया है। यहाँ पे मेरा छोटा चम्मच है, आप 1/2 टेबल स्पून लीजिए। देखिए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। आप अपने फेवरेट कोई सा भी एलोवेरा जेल है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चर करता है। करीब 1/4 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे बादाम का तेल। और लास्ट में हम डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल डालने के बाद अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको अपने फेस पे लगाएंगे। तो सेकंड स्टेप प्रोसेस में आप इस मिश्रण को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और सो जाइए। थर्ड स्टेप के अंदर जब आप सुबह उठेंगे तो आपके फेस पे जो ग्लिसरीन लगी हुई होगी उसी के ऊपर आप गाढ़ा दही लगा लेंगे और उसको 15 मिनट तक के लिए अपने फेस पर लगे रहने देंगे। 15 मिनट के बाद आप अपना फेस धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम निखर गया है और ग्लिसरीन का बहुत ही असर हुआ है आपकी स्किन पे। आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल बन जाएगी। सर्दियों के दिनों में अगर आपकी स्किन रुखी हो गई है और काली पड़ गई है तो एक बार ग्लिसरीन को इस तरह से जरूर आजमाइएगा, आपकी स्किन पर बहुत ही असर पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नेचुरल डिवा। थैंक यू।